नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नल्स की पेशकश जायका हिंदुस्तान का। मकिया ब्रिज में बिरयानी और हलीम, मुगलाई डिश और चिकन कबाब खाने वालों के लिए अच्छी खबर। गुज़िश्ता जुमा R142 एस ए फारूकी रोड अपोजिट सैमपुकुर लैन इलियास बिल्डिंग के करीब द रॉयल एम्पायर रेस्टोरेंट एंड कैटरर का शानदार ओपनिंग हुआ। इस रेस्टोरेंट के ओपनिंग में मौजूद रहे जनाब अनीस हक एंड टीम, जिनमें जनाब अनीस हक साहब, जनाब नूर आलम साहब, जनाब रियाज खान साहब, जनाब एजाज अहमद साहब शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं, द रॉयल एम्पायर रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स के जनाब अनीस हक साहब ने कहा कि अब मकिया ब्रिज में रहने वाले लोगों को बिरयानी, हलीम, मुगलाई डिश और चिकन कबाब खाने के लिए शहर कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे कलकत्ता में आप ऐसी बिरयानी की टेस्ट और एक्सपीरियंस नहीं की होगी जैसा टेस्ट हमारे रेस्टोरेंट द रॉयल एम्पायर एंड कैटरर आपको प्रोवाइड करेगी, वो भी किफ़ायती दामों में। इन्होंने मकिया ब्रिज के आवाम से अपील भी की है कि एक बार आप ज़रूर द रॉयल एम्पायर रेस्टोरेंट, जो कि सैमपुकुर लैन के अपोजिट में है, आएँ, यहाँ की बिरयानी, हलीम, मुगलाई डिश और चिकन कबाब टेस्ट करें। आइसक्रीम फॉर ऑर्डर एंड फ्री डिलीवरी सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल है 2 किलोमीटर के अंदर में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर। ये देखते हैं आए हुए कस्टमर्स का क्या कहना है। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है मकिया ब्रिज में सैमपुकुर लाइन के करीब, जहां के मैं आपको बताता चलूं एक नए रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन, द रॉयल एम्पायर। द रॉयल एम्पायर का शानदार इनॉग्रेशन आज हुआ है और ये सैमपुकुर लाइन के अपोजिट में है रॉयल एम्पायर। आप देख रहे हैं सेगमेंट द लोकल जर्नलिस पर जायका हिंदुस्तान का, और यहाँ पर चिकन के आइटम से बिरयानी, बीफ तो है ही नहीं है, यहाँ पर चिकन है, मटन बिरयानी है और भी चिकन यहाँ पर जो है, हलीम है, रमज़ान स्पेशल है, मटन हलीम है, और भी आपको दिखाएंगे, अंदर की जानिब ले चलेंगे। और देखिए ये शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं, आप द रॉयल एम्पायर का शानदार नज़ारा, के पूरे चिकन का आइटम है यहाँ पर। मैं आपको बताता चलूँ जायका हिंदुस्तान सेगमेंट आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस पर। इसी तरह से द लोकल जर्नलिस की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे बीच, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीस साहब जो कि ऑनर हैं, और इनके बहुत सारे दोस्त अहबाब भी इनसे जुड़े हुए हैं। हम दिखाएंगे आपको और अंदर की जानिब चलेंगे। और हमारे पास मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी हलीम लेकर, सर कितनी खुशी महसूस हो रही है आज रॉयल एम्पायर में विजिट किए आप होटल में, ये बताया। हाँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है, पहली बार आए, ओपनिंग हुआ है दुकान, देखा जाए। क्या नाम है भाई आपका? MD आमिर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। और ये देखें आप, किस ये देखेंगे आप, ये क्या हलीम है अनीस भाई, ये बताए जरा आप। ये चिकन हलीम है, हमारे पास मटन हलीम भी है। हाँ, ये कितने का प्याला आता है ये अनीस साहब, ये जो है हम लोग 110 रुपये करके चिकन। हाँ, हलीम, चिकन हलीम। नाजरीन, ये देखें हलीम दिखा रहे हैं अनीस साहब, हलीम की क्वालिटी भी माशाल्लाह, मसाले का भी उसी तरह से भरपूर इस्तेमाल है। वाकई मकिया ब्रिज गार्डन ईच वो अपने खाने के लिए जाना जाता है, जब खाते हैं तो हम लोग इसमें सर्व करते हैं। ये देखिए इसमें सर्व किया जाता है, इसमें पर जो है किस तरह से जो है यहाँ पर, ये क्या है जनाब, ये क्या लगा रहे हैं? ये रेशमी कबाब है। हाँ, रेशमी कबाब है, रेशमी कबाब है यहाँ पर। ये देखिए रेशमी कबाब लगाया जा रहा है, तैयारी। द रॉयल एम्पायर जायका हिंदुस्तान आप देख रहे हैं मकिया ब्रिज सैमपुकुर लाइन के बिल्कुल अपोजिट में। वहीं अफगानी रेशमी कबाब, हरियाली कबाब, टिक्का कबाब, जो सब आइटम होता है हम लोग का, जो सबसे खास आइटम है वो है आपका ये अफगानी, जो आपका दिल्ली 6 में मिलता है, हम लोग का वो स्पेशल हो गए हैं, जो कि रॉयल एम्पायर में आ जाए हैं। और इफ्तिताह दादा, आपका क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। हारून साहब, अभी आपने कौन सा हलीम खाया है? मटन का। मटन हलीम का कैसा कैसा टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार बना है ना? बहुत शानदार। तो और प्राइस वगैरह भी यहाँ रिजनेबल रखा गया ताकि लोग खाएं और अपने फैमिली के लिए भी ले जाएं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा,
आज इनॉग्रेशन हुआ, खुशी महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत। क्या नाम है? मोहम्मद मकबूल। मकबूल साहब, अभी जो आपने हलीम खाया है, कैसा टेस्ट कैसा ये बताइए? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। टेस्ट प्राइस भी अपने हिसाब से अच्छा ही रखा है। ठीक है, ठीक है, है ना? बहुत बढ़िया लगा। और आज पहला दिन है, क्या दुआ देंगे आप? नहीं, अल्लाह चाहे चलेगा इंशाल्लाह, समझे? बहुत बेहतरीन बनाया है, खाने में टेस्ट था, ठीक है। बहुत अपनी साहब, अभी कुछ कस्टमर्स भी आपके यहाँ पर आए हैं जी, फारूक साहब भी खाए हैं अभी, बता रहे हैं टेस्ट। तो पब्लिक को लेकर क्या अवेयरनेस रह रही है कि पब्लिक के माइंड को आपने जज किया बोलकर ये सब आइटम लगाए हैं? ये एक्चुअली हम लोग का जो सोच ये था कि इस इलाका में बहुत, मतलब उसी रेट में, उसी प्राइसिंग पे जो यहाँ पे है, उसी प्राइसिंग में थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का खाना दिया जाए, बढ़िया टेस्ट दिया जाए, और बैठ के अच्छा से देखते रहे आप क्या एनवायरनमेंट है, क्या एम्बियंस है। इस तरह का खाना हम लोग वही रेट में दे रहे। देखिए, जैसे हम लोग चिकन बिरयानी है 100 रुपये में, यहाँ बीफ बिरयानी आपको 90 रुपये में मिलेगा। चिकन बिरयानी का रेट, चिकन बिरयानी तो अवेलेबल कम ही मिलेगा, चिकन बिरयानी आपको 100 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिटी भी वैसे ही होगा। क्वालिटी हम लोग का जो शेफ्स है, जितने भी करीम अरसलान इस क्वालिटी के, वहाँ से काम किए हुए, तो वो शेफ हमारे पास यहाँ काम करते हैं, तो क्वालिटी वही है। खाना जो आप अरसलान में 200-220-250 रुपये जो बिरयानी का देते हैं, वो यहाँ पे 100 रुपये में आपको वही क्वालिटी, सिटिंग सब कुछ वही। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो 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 डिज़ाइन, जो इंटीरियर डेकोरेशन है यहाँ पर, आपको मैं बता चलूँ, द रॉयल एम्पायर का जो डेकोरेशन है आप देखेंगे, और जो आप खाना, आप शहर कोलकाता की तरफ जा रहे हैं आप, तो मटिया ब्रिज में अनीस साहब ने कोशिश की है कि पूरी वो फैसिलिटीज़ जो शहर कलकत्ता में जाकर, धर्मतल्ला में, एस्प्लैंड में, खिदरपुर में जाकर आप वो फैसिलिटी मटिया ब्रिज में दे रहे हैं। अनीस साहब, क्या सोच रही इसके पीछे ये बताएं? अब बीफ बिरयानी 90 में मिल रहा है और आप चिकन दे रहे हैं 100 रुपये में। सोच यही है, पहला इनकम करना सोच नहीं है, पहला कस्टमर्स को खुश करने का सोच है, उनको सर्विस सही देने का सोच है, सही से उनके साथ ट्रीटमेंट हो, उनको अच्छा क्वालिटी का खाना दिया जाए, उसके बाद कस्टमर तो खुद ही आपको आपको वो चीज़ देंगे जो आप चाहते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं सिर्फ आप कस्टमर से ले, पहले आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। जब आप कस्टमर को क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी देंगे, अच्छा चीज़ देंगे, तो कस्टमर भी आपको देगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाज़रीन, आप देखिए, अनीस साहब का ये कहना है कि कस्टमर जो बाहर की जाने, जो कलकत्ता में खा रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी आएँ, रॉयल एम्पायर में आएँ, हम वही चीज़ आपको देंगे जो बाहर में आपको मिल रहा है। अभी और भी आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है द रॉयल एम्पायर का, क्या कहना चाहेंगे मटिया ब्रिज की सरजमीन पर? वाकई एक खाना जायकेदार आपके यहाँ मिल रहा है, और जायका हिंदुस्तान सेगमेंट, पूरी व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं द लोकल जेनिस को पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मटिया ब्रिज में बहुत सारे होटल हैं, सब जगह खाना टेस्टी है। ये रॉयल एम्पायर भी एक आज ओपनिंग हुआ है, आप लोग आइए यहाँ पर एक बार चखिए खाना, उसके बाद अब बताइएगा क्या है। हमारे सामने बैठे हुए भाई अभी हलीम खाए हैं, इनसे तो आप पूछें हलीम कैसी है। ये तो एक छोटा सा हलीम था, यहाँ का बिरयानी खाइए, चिकन तंदूरी खाइए, रेशमी कबाब खाइए, आपको उम्मीद है दूसरा जगह जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जैसे इंडिया रेस्टोरेंट है, अरसलान है, आपको पूरा मज़ा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सबसे गुजारिश, एक बार चेक करिए, मेरे बोलने पर नहीं, खा के देखिए आप, ठीक है? तो भाई, जो यहाँ पर जो द रॉयल एम्पायर जो खोले हैं, वाकई जो है मटिया ब्रिज वालों के लिए एक काबिल तारीफ जगह आप खोले हैं, और यहाँ के लोग खाने के भी शौकीन हैं। तो जी जी, 90 रुपये में बीफ बिरयानी, 100 में आप चिकन दे रहे हैं, भाई ये किस तरह की प्लानिंग रह रही है आप? आपको 100 रुपये में चिकन बिरयानी का 300 रुपये में मज़ा मिलेगा, जो आप इंडिया रेस्टोरेंट में खाते हैं 300 रुपये प्लेट, आपको इंशाल्लाह ये 100 रुपये में उससे अच्छा जगह मिलेगा आपको। आप एक बार जब तक खाइएगा नहीं और ले के नहीं जाइएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्या क्या आइटम अनीस भाई, क्या क्या आइटम है आपने यहाँ पर, ये आइटम तो बहुत है जो आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा, अरसलान वगैरह या और जो दूसरे जो रेस्टोरेंट है बढ़िया, जो वही सारा मेन्यू है आपको। मुगलाई आइटम में सारा में आइटम मिलेगा, बिरयानी में आपको चिकन बिरयानी, एग बिरयानी, आलू बिरयानी, जो भी हो बिरयानी में भी पूरा आइटम मिलेगा। हाँ, लोग ये रेस्टोरेंट जो है नो बीफ है। चिकन में क्या बोलेंगे? चिकन में तो आपका मुगलाई आइटम में बहुत सारा, अफगानी मुगलाई है, अफगानी जो अफगानी चिकन जो दिल्ली 6 में जाके आप लाइन लगा के खाते हैं, वही वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वहाँ जाने की, यहाँ के लोगों को यहाँ वहाँ जाने की अब जरूरत कोई नहीं, वो तमाम चीज़ आपके यहाँ रेस्टोरेंट, क्योंकि इंशाल्लाह उससे बढ़िया टेस्ट आपको मिलेगा। चले बढ़िया नहीं भी तो वही टेस्ट मिलेगा, यही है। अफगानी चिकन आपको मिल जाएगा, फिर हरियाली मिल जाएगा, अभी तंदूरी जो पार्सल ले जा रहे, सब ज़्यादातर तंदूरी ले जा रहे, फुल तंदूरी हम लोग का
फुल तंदूरी, हाफ तंदूरी, सारा आइटम है आपका। रोटी में आपका ये आपका वही फुल तंदूरी का 300 रुपये और हाफ तंदूरी का आपका 160 रुपये। स्पेशल क्या है अनीस भाई आपके यहाँ, ये बताइए। स्पेशल वही बता रहे, स्पेशल सभी स्पेशल में स्पेशल तो देखिए सारा ही चीज़ है, लेकिन स्पेशल हम लोग का जो है एक तो है बिरयानी, ठीक है ना, वो तो आप जानते ही है, बिरयानी का शौकीन है, बिरयानी हम लोग का स्पेशल है। और दूसरे नंबर में जो आपको बता रहे चिकन अफगानी, मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए मेनू है अनीस साहब के हाथ में, फ्रंट बैक दोनों देखा है अनीस साहब, ये हुआ और ये, और रमज़ान के लिए हम लोग यहाँ स्पेशल किए अभी हलीम, हलीम के लिए अभी आप देख रहे थे कस्टमर लोग लाइन लगाए हुए थे हलीम के लिए, चिकन हलीम 110 रुपये ओनली चिकन हलीम। तो यही है, कस्टमर्स को सर्विस अभी अच्छा देना है, अच्छा क्वालिटी खाना देना है, अच्छा उनको एनवायरनमेंट एम्बियंस देना है, कस्टमर अपने आप फिर जो देना है वो देगा। फिरनी है, फिर जाके हम लोग को शाही टुकड़ा मेरे यहाँ का एक बार चेक किया जाए, क्या प्राइस है उसका? शाही टुकड़ा का मेरा ज़्यादा प्राइस नहीं, 60 रुपये, लेकिन ये बात चखने लायक है। जो बंदा करीम्स में खा कर आया है साइड टुकड़ा, उसको मैं कहूँगा एक बार आके चख के जाए और फिर मुझे बताए कैसा है क्या। नाज़रीन, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, द रॉयल एम्पायर जो कि मटिया ब्रिज में आज इसका बहुत ही अजीमुलशान इफ्तिताह हुआ है और हमारे अनीस साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं और सैम पुकर लाइन के बिल्कुल अपोजिट है। और मैं ये आपको बताता चलूँ, सैटरडे संडे जो मार्केट मटिया ब्रिज गारमेंट्स फेयर भी यहाँ पर लगता है, गारमेंट मार्केट भी है यहाँ पर, और ऐसे मौके पर जो लोग शहर कोलकाता में आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, तो वो एक बार तो ज़रूर द रॉयल एम्पायर में विजिट करें, चूँकि ये रास्ता जाकर जुड़ता है मटिया ब्रिज गारमेंट्स हार्ट से, जो कि एसीए को पूरा रेडीमेड गारमेंट्स सप्लाई देता है। और अभी हमारे एक भाई भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले तो आपका नाम बताएं। आरिफ परवेज। आरिफ परवेज साहब, रॉयल एम्पायर का आज जो है इफ्तिताह हुआ है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग मटिया ब्रिज में जो है ऐसे आफरीन रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर चिकन वगैन का आइटम बहुत कम था, अब जो है ये खुला उसको है, उसको रॉयल एम्पायर पूरा करेगा। जी जी जी। और शहर कोलकाता में जो लोग जाते थे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए, उनको अब वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, मटिया ब्रिज क्या बोलेंगे आप? जी, इससे हम लोग बहुत फायदा हुआ है कि लोग रात वात में निकल जाते थे मटिया ब्रिज से बाहर चिकन वगैन खाने के लिए, अभी वो सब आइटम हम लोग मटिया ब्रिज में मिलेगा आदमी को। हाँ, तो दूर जाने की दरकार नहीं है, हम लोग के घर के पास ही सब कुछ मिलेगा। 90 रुपये में बीफ बिरयानी लोग खा रहे हैं और यहाँ पर जो है द रॉयल एम्पायर में 100 रुपये में चिकन बिरयानी, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए? बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि 90 रुपये में चिकन बिरयानी मिलेगा। अच्छा, रमजान का महीना हलीम के लिए मशहूर है और यहाँ चिकन हलीम और मटन हलीम का भी खास है इंतज़ाम है और बहुत कम रिजनेबल रेट में है और शाही टुकड़ा का भी इंतज़ाम है, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जो ये मतलब इस न्यूज़ के माध्यम से लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आए चिकन वगैरह सब खाए। एक बार आपका नाम बता दें भाई। आरिफ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आइए बातें करेंगे यहाँ पर और भी हमारे जो है कि द रॉयल एम्पायर के कस्टमर्स जो आए हैं आज, मैं बताता चलूँ वाकई मटिया ब्रिज की सरजमीन पर एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ है। भाई क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? नहीं, खुशी तो बहुत है हम लोग को, हम लोग का यहाँ पे रॉयल एम्पायर खुला है, ज़्यादा से ज़्यादा हो आए तो थोड़ा जो आइटम है वो चखे और कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जाते थे चिकन के आइटम्स। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग का एरिया में हम लोग का खुला है तो बहुत खुशी की बात है। रॉयल एम्पायर हम लोग का जो गार्डन नीच में बना है तो उसको सक्सेस हो और अल्लाह करे और आगे जाए। ये हमारे गुड्डू भाई हैं, इनसे भी थोड़ा सा। आपका नाम है? मेरा नाम सागर है। सागर भाई, गुड्डू भाई क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? ये नया होटल खुला है इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है मटिया ब्रिज के लोगों के लिए। एक बहुत ही अच्छी मतलब बहुत अच्छा तरीका का एक होटल यहाँ पे खुला है। जैसा कि आप जाते थे पाक सर्कस, अरसलान और इंडिया रेस्टोरेंट खिदिरपुर जाते थे, वैसा आइटम यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। एक बार आइए आप लोग, रमज़ान का स्पेशल है, जैसे कि आगे एक बार हलीम आप टेस्ट करके देखिए। हम एकदम आपको 100% सिक्योरिटी के साथ कहना चाहते हैं, जैसे अभी हमने हलीम चखा है, हूबहू मतलब बोलने का मतलब ये है कि टेस्ट में एकदम वैरायटी एकदम सो गुड। एक बार आके ट्राई करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और इसका मज़ा लीजिए।
भाई बिरयानी 90 रुपए में, बीफ बिरयानी बाहर में मिल रहा है, 100 रुपए में चिकन, और क्या कहना। और इससे अच्छा मडिया बुज के सर जमीन के लोगों के लिए क्या होगा बताइए। चिकन के लॉट्स ऑफ वैरायटी, जैसे आप दिल्ली सिख जाते खाने के लिए, एक बार आगे आगे चिकन तंदूरी खाइए। और जैसा कि देखिए आप, चिकन तंदूरी फुल आपको 300 रुपये में मिल जा रहा है, और अफगानी मिल जा रहा है 340 में फुल, जो आप जाते हैं वहाँ पे 720 रुपीज़ पे करते हैं, आप हाफ दाम में मिल रहा है आपको। एक बार आके ट्राई करिए और टेस्ट करिए, उसके बाद बताइए कि आकर टेस्ट कैसा है। अनीस भाई की टीम ने पूरा ये जो लगाया है वाकई बहुत चीप एंड बेस्ट, और वो जायका हिंदुस्तान आप देख रहे हैं द लोकल जर्नी सेगमेंट में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आप एक बार आइए और यहाँ पे ट्राई करिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं। एक बार आगे आप लोग ट्राई करिए, एक बार जायका यहाँ का लीजिए, यहाँ का जायका बहुत ही पसंदीदा होगा, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। द रॉयल एम्पायर में आए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का रेस्टोरेंट खुला है मटिया बुर्ज के लिए, अच्छी बात है। किसी ज़माने में सिराज होटल होता था, हम लोग अकड़ा रोड से वहाँ तक जाते थे, तो बीच में ऐसा ख़त्म हो गया था। और अगर कोई अच्छे टाइप का आदमी हम लोगों से मिलने आता था तो हम लोग इंडिया रेस्टोरेंट लेकर जाते थे, टाइम वेस्ट होता था। अब बगल में है, कोई अच्छे लोग आते हैं तो यहाँ बेहतर खाना हम लोग उनकी मेहमान अपनी मेज़बानी के लिए उन लोगों को यहाँ ला सकेंगे, टाइम सेव होगा। भाई देखा गया है कि रॉयल एम्पायर में जो है, जो आप पार्क सर्कल जा रहे हैं, आप खिदरपुर जा रहे हैं, उस हिसाब को देखते हुए अनीस साहब ने मटिया बुर्ज की सरजमीन पर वाकई एक कामयाब कदम इनको कह लीजिए आप। चिकन का जो आइटम है इतना चीफ रेट में, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी वैरायटीज, ये चिकन तो आजकल पोल्ट्री होता, देसी तो अब चलता नहीं है, बीफ के मुकाबले में चिकन का तो भाव कम ही रहता है, इसलिए कम दिया जा रहा है, रखा जाता है। मगर मसला ये होता है भाई के अच्छा एक रेस्टोरेंट होना चाहिए था। हम लोग किसी अच्छे आदमी को ले जाने के लिए अब खिजरपुर जाते थे, किसी ज़माने में सिराज था तो शौक से जाते थे, अब सिराज रहा नहीं किसी वजूहत की बिना पर। भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत खुशी का बात है कि हम लोग मटिया बुर्ज में ये रॉयल एम्पायर खुला है, यहाँ पर चिकन का बहुत सारा वैरायटी है। मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ एक बार और इसका जायका लें। अभी भाई है आपका? मैं मोहम्मद जायद। जाहिद साहब अभी आप जो है द रॉयल एम्पायर रेस्टोरेंट में आप जो है आज इफ्तिता के मौके पर आपने आज क्या यहाँ से क्या सामान ले गए अपने घर के? चिकन तंदूरी ले गए थे घर में, घर में बहुत पसंद आया तो हम फिर लेने आए दोबारा लेने के लिए। और क्या यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप एज ए कस्टमर, जो लोग खाने के ट्राई करिए, देखिए यहाँ का बहुत अच्छा टेस्ट है, आके एक बार जरूर विजिट करिए। रॉयल एम्पायर रेस्टोरेंट में आप आए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है आकर यहाँ पर? हाँ खुशी तो आज है, रॉयल जमुने कोलकाता जेते होते खाने इससे तो पार्क सर्कल जेते हो तो खिदिरपुर जेते हो तो उससे संबंधे अनिल साहब खाने खुले चैन मटिया हाँ खुले चे पर देख हमी होते बिरयानी खेते इससे बिरयानी खेते हाँ की बिरयानी खाने आज के এ রই তো এখন তোমরা বলছো যে চিকেন আইটেমে চিকেনটা এখন তো মটন তোমরা হয়নি, চিকেনই টেস্ট করে দেখবো। মানে প্রথম দিন এসেছেন, হ্যাঁ মানে আরো ভালো লাগলে আরো অন্য বন্ধু-বান্ধবকে বলবেন যে আপনারা এসো, মানে রয়্যাল এম্পায়ারে আসুন আপনারা। হ্যাঁ ওকে ওকে ঠিক আছে। हम लोग ये सब बड़ा बड़ा जगह काम करके आया है, गोवा वोवा यहाँ वहाँ, फिर जाके करीम्स वगैरह जो आपको बताया, सब मेरा कारीगर लोग वही लेवल का है, करीम्स अरसलान अमीनिया यहाँ पे जो रेस्टोरेंट सारा है बड़ा नामी, वही लेवल का सारा कारीगर है, वहीं से कारीगर आते हैं। ये सब जो खा रहे देख रहे हैं ना, ये आपका दर्शक जब एक बार आएंगे खाएंगे चख के देखेंगे फिर हमको बताने बोलिएगा, वहाँ से जो खाए हुए होंगे कि क्या अलग लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा वो हमको। मैं आपके दर्शकों को, लोकल जर्नलिस्ट के जो दर्शक हैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक बार आके हम लोग बिरयानी आइटम तो जानते ही हो तो सब खाते हैं, उसमें तो स्पेशलिस्ट है ही, लेकिन जो आपका हम लोग का जो कबाब आइटम है अब मैं चाहूँगा बस दिखाए। देखिए माल यहाँ पे आप लगा भी नहीं पा रहे, माल अवेलेबल भी नहीं है, माल आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। तो मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि एक बार आके इसको टेस्ट करके जाए, फिर आप उसके बाद मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा टेस्ट है, जो क्वालिटी है, जो मैं दे रहा हूँ, जो प्राइसिंग में दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नाज़रीन आज ही जो है इफ्तिताह हुआ है द रॉयल एम्पायर रेस्टोरेंट का मटिया बुर्ज में, जो कि जुड़ता है मटिया बुर्ज मार्केट को। इस रोड से जब आप जाएंगे, मटिया बुर्ज जब आना होगा आपका, तो इस रोड से ये मार्केट मटिया बुर्ज गारमेंट्स हब में जाता है, जहाँ के बहुत सारे हाट्स हैं और शनिचर इतवार को ये हाट्स लगता है। और ऐसे मौके पर आप ज़रूर विज़िट करें द एम्पायर रेस्टोरेंट का, जहाँ के जायका हिंदुस्तान का आपको मज़ा देखने को मिलेगा। अनीस भाई एक बार फिर अपील कर दें आप, जो लोग बाहर से भी लोग आ रहे हैं ना मटिया बुर्ज गारमेंट्स में खरीदारी के लिए, तो देखिए इसको हमने नो बीफ इसीलिए रखा है ताकि हर तरह के लोगों को हम ट्रीट कर पाए, हर तरह के लोगों को हम सेवा कर पाए।
वरना बीफ भी रख सकते थे, यहाँ पे बीफ का अच्छा डिमांड है, लेकिन नो बीफ इसी लगा दे। हार्ट में भी जो कस्टमर हमारे आएंगे, भाई लोग जो हमारे आएंगे, उनको भी हम लोग सर्व कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लोकल है उन लोगों को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती रेट। हाँ, और रेट तो बिल्कुल किफ़ायती है, 100 रुपये चिकन बिरयानी है। बाकी मुगलाई आइटम का भी रेट आपको मेनू दिखाया है, जो कस्टमर को इंटरेस्ट है मेनू का स्क्रीनशॉट ले, उसको अच्छे से पढ़ ले, दूसरे जगह से मिला है उनको समझ में आ जाएगा। तो नाज़रीन, द लोकल जर्नलिस्ट की अपील होगी आपसे कि एक बार द रॉयल एम्पायर मटिया ब्रिज में ज़रूर आएँ, जी इनके रेस्टोरेंट में विजिट करें और मज़ा लें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताएं कि आप यहाँ पर जो है जायका हिंदुस्तान को अगर देखना है तो द रॉयल एम्पायर में ज़रूर आकर एक बार विजिट करें और यहाँ का खाना को खाएँ, टेस्ट करें, और फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी एडवाइस करके वो यहाँ आएँ। सर কেমন লাগছে যা বিরিয়ানি খেয়েছেন আপনি, কেমন লাগছে, কেমন টেস্ট, টেস্টটা কেমন আছে? হ্যাঁ টেস্ট ঠিক আছে, টেস্ট ঠিক আছে, হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে। 100 রুপিস চিকেন বিরিয়ানি, হ্যাঁ ঠিক আছে টেস্ট। ভাইজান কি কেনা চাইঙ্গে, জায়গা টেস্ট, টেস্ট কেসা ইয়ে বাতা। মাশাআল্লাহ টেস্ট বহুত বড়িয়া হ্যায়, টেস্ট বহুত বড়িয়া, বহুত হি বড়িয়া হ্যায়। আম এক প্লেট তো খা রহে হ্যায়, এক প্লেট পার্সেল ভি লেকে জানা হ্যায়, মাশাআল্লাহ বহুত আচ্ছা। रियाज साहब, सबसे पहले तो द रॉयल एम्पायर का ओपनिंग सेरेमनी मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी तो बस है, और बस यही बोलना चाहते हैं कि बस बाकी के कस्टमर लोग को भी खुशी हो, और यहाँ पे बस यही चाहते हैं कि आप लोग मतलब इसको फेमस करें। लोग तो, लो, हाँ। तो बिरयानी खा रहे 100 रुपए में, चिकन बता रहे लाजवाब है, लाजवाब जी, वही है वो आप ही लोग बताइएगा। वो बाहर में 90 रुपए में बीफ मिल रहा है, चिकन 100 रुपए में दे रहे हैं आप, बहुत चीप बन दे रहे हैं। वो चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो बाहर के लोग ही बताएंगे कि ना, बाहर के लोग ही बताएंगे कि मतलब बाहर क्या रेट मिल रहा है, हमारे यहाँ क्या रेट मिलेगा। यहाँ पे बिठा करके आपको एसी में बहुत अच्छा खाना मिलेगा, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग इसमें आपको अच्छा लगे बेहतरीन। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, यहाँ जो आइटम है आपके यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताएं जरा। आइटम के बारे में देखिए, फिलहाल तो हमारे पास चिकन और आइटम का पूरा इनका सारा है, आप देख ही सकते हैं वहाँ पे बाहर कबाब वगैरह है, चिकन का कबाब है, फिर मटन का बिरयानी है और मटन हलीम है, काफ़ी मतलब कम ही प्राइस में है। तो एक सवाल मेरा ये होगा आपसे, जो लोग जा रहे थे कलकत्ता पाक सर्कस किदिरपुर जा रहे थे, अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं कि मटिया ब्रिज में, यहीं पे भी हम लोग का सोच सबसे पहले यहाँ यहीं पे गया था कि यहाँ के लोग जो है मतलब फैमिली के साथ मतलब इंजॉय करने के लिए किदिरपुर पाक सर्कस वगैरह ये सब जगह जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग छोटा सा यहीं पे कुछ ऐसा मतलब बना दे कि बाहर न जाना पड़े, यहीं पे सामने में ही आप लोगों को अच्छे से बैठ करके खाना इसी में अपना मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है, अल्लाह ताला इनके दुकान में कारोबार में धन दौलत में उम्र में तिजारत में बरकत अता फरमाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा से अच्छा ये दुकान चलेगा, और देख रहे हैं बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है, ये आदमी को देख रहे सब खुश मिजाज आदमी है, अल्लाह ताला इनको कारोबार में बरकत अता फरमाएगा और बेहतरीन आला से आला मुकाम अता फरमाएगा। क्या दुआएं देंगे आप? माशाल्लाह मैं इनको खूब खूब दुआएं दूंगा, इसलिए कि अभी देख रहा हूं कि आज ही खुले हैं इस दुकान को, और कस्टमर के जम्मे काफ़ी है और अच्छी से अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इनकी दुकान खूब अच्छी से अच्छी आला मुकाम पर पहुँचे।